हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। यहाँ से टोटल 9 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी UGC AICT नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पेड नहीं करनी है। एंड गाइस, यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हाइड्रो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आसाम से आई है, आसाम के सरू पथार कॉलेज से ये वैकेंसी आई है एंड ये कॉलेज डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। यहाँ आपको जनरल नोटिस हो रहा है। यहाँ 11 जून 2024 को एक PDF अपलोड किया गया है, सिचुएशन वैकेंट सरू पथार कॉलेज 2024। इस PDF को आप डाउनलोड करेंगे, इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये सरू पथार कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट है जिसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ इसका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाइज, यहाँ से गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है जिसका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। एप्लीकेशन आर सोलिसिटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ए वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एट सरू पथार कॉलेज सरू पथार फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एंड कैंडिडेट को यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है, अलोंग विद ए कंप्रेसिव रिज्यूम एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल फ्रॉम HSLC ऑनवर्ड। एंड ये पोस्ट प्योरली टेम्पररी है, सैलरी नेगोशिएबल है। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट नेम है, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन इसेंशियल एंड क्वालिफिकेशन डिजायरेबल। यहाँ से टोटल 9 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि 2 सीट अवेलेबल है। इसमें अप्लाई करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर सोशियोलॉजी में 2 सीट की वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। देन यहाँ पर एजुकेशन में सीट की वैकेंसी है। यहाँ अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। देन यहाँ पर हिस्ट्री में 1 सीट की वैकेंसी है, इसमें भी मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन UGC के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। इंग्लिश में यहाँ पर 1 सीट की वैकेंसी है एंड इसके लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। आसामीज में 2 सीट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आसामी विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कॉमर्स में 1 सीट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1 सीट है, इसके लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। देन यहाँ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है, IQAC, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन PGDCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एंड यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नेट या JRF या सेट होना चाहिए। इस तरह से गाइज, यहाँ पर ओनली PG कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून 2024 है एंड इसकी इंटरव्यू 28 जून 2024 को ली जाएगी। गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।